दोस्तों आज का पहला वाला ऑर्डर भी आ गया। कुछ बोलने से पहले ही दोस्तों इसी तरह से शुरुआत करना पड़ रहा है। देखता हूँ, ये बाइक टैक्सी की फूड डिलीवरी का ऑर्डर है। बाइक टैक्सी, इनको जाना क्या है? द फिटनेस एडिशन जिम, फिटनेस हेल्थ क्लब फॉर द एक्सेप्ट करता हूँ। चलो यार, ये रैपिड में जब से ये वाला अपडेट आया ना दोस्तों, यार बहुत ही घटिया अपडेट हुआ है सच में यार। मतलब क्या ही बताऊँ, ये बहुत ही ख़राब अपडेट हुआ है। अभी क्या हुआ ना, रैपिडो में जब ऑर्डर घुसता है तो एक साथ सबको घुसता है, आसपास जो एरिया में जितने भी सारे राइडर रहेंगे सबको एक साथ कंपनी दे देती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो सबसे पहले एक्सेप्ट करता है उसी को ऑर्डर मिल जाता है। तो मेरे एक्सेप्ट करने से पहले किसी ने एक्सेप्ट कर लिया यार, ये अपडेट ने यार बहुत ही घटिया। मतलब पहले चलो यार आता था, देखते थे यार कहाँ इनको जाना है, चलो ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट करते थे। अभी मतलब मौका ही नहीं मिलता कि एक्सेप्ट, मतलब देखने का भी मौका नहीं मिलता कि भाई ड्रॉप लोकेशन कहाँ है, फटाक से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आज मैं बाइक टैक्सी उतना करने का मूड नहीं है आज, वैसे करेंगे दोस्तों फूड डिलीवरी का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम पहले स्विगी से मतलब एक नोटिफिकेशन आया था कि अब हम लोग जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनको ऑर्डर आप ज़्यादा नहीं देंगे, मतलब बहुत ही कम कर देंगे। तो थर्ड स्विगी ज़्यादातर ऑर्डर रैपिडो, लोटसियर और 750 देती है, तीन थर्ड पार्टी कंपनी है बेसिकली, तो इनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर देती है। तो आज मैं इसीलिए रैपिडो करने के लिए निकला हूँ, देखने के लिए कि यार कंपनी जो बोली है वो सच में। वैसे मैंने एक्स्ट्रा हेलमेट भी कैरी किया है दोस्तों, अगर आसपास का कोई अगर राइड मिल जाए छोटा मोटा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे ये एक छोटा सा राइड था तो मैंने फिर भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया। यार जो मेरा सबसे मेन टारगेट है दोस्तों, इसे बताया कि भाई आप फूड डिलीवरी करेंगे ज़्यादातर, देखते हैं कितना फूड का ऑर्डर मिलता है, तभी पता चलेगा कि हाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कंपनी ने ऑर्डर देना बंद किया है कि नहीं। बंद तो नहीं किया, थोड़ा सा कंपनी ने कहा कि कम कर दिया, अब कितना कम किया वो भी देखने वाली बात है। अभी टाइम हो रहा था दोस्तों 7:26, मैंने 7 बजे लॉग इन किया था जानबूझ कर, क्योंकि जो फूड का ऑर्डर होता है ना वो शाम के टाइम में ज़्यादातर मिलता है, दिन में उतना फूड का ऑर्डर नहीं मिलता है। शाम के 7 बजे के बाद से ही फूड के ऑर्डर आते हैं, तो इसीलिए मैंने शाम के 7 बजे के बाद ही लॉग इन किया देखने के लिए कि चलो यार कितना ऑर्डर मिलता है फूड के। तो देखते अभी तक तो कोई फूड का ऑर्डर आया नहीं, एक ही ऑर्डर आया था रैपिडो से बाइक टैक्सी का ऑर्डर था। फिलहाल मैंने ओला उबर बंद करके रखा है, वो ऑन नहीं किया, बैकअप के लिए रखा हूँ। अगर ऑर्डर करते करते रैपिडो अगर मुझे दूर कहीं भेज देता है तो उस टाइम उबर ऑन करके घर की तरफ आ जाएंगे, देखते हैं। फिलहाल अभी आसपास किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा जहाँ से मुझे चांसेस है कि भाई मिल सकता है, देखते पहले कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों आज का पहला वाला राइड भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बाइक टैक्सी का राइड है, फूड का आ नहीं रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक्सेप्ट कर लेते, 11 किलोमीटर का राइड है, अच्छा सा पैसा देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक बार कस्टमर को कॉल करके कन्फर्म भी कर लेता हूँ कि उनको कहाँ जाना है एग्जैक्टली, वरना कई बार फेक ऑर्डर रहता है ना, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा अरे नहीं इनको तो जाना ही नहीं था, तो एक बार कॉल कर लेते अच्छा होगा। पास में ही है, पिकअप ज़्यादा दूर नहीं दिया। हेलो, हाँ मैम आपने रैपिडो बुक किया ना अभी? हाँ, आपको कहाँ जाना वैसे? तो चलो यार बात हो गया, कंफर्म हो गया कि उनको जाना है, वरना दोस्तों कई बार क्या होता है कि यार राइड बुक करने के बाद कस्टमर फिर कैंसिल कर देता है, तो उस टाइम बहुत ख़राब लगता है। तो यार उतना दूर जाओ फिर कैंसिल हो जाता है यार, उससे अच्छा पहले ही फाइनल पूछ लेना चाहिए। क्योंकि आजकल कई सारे कस्टमर क्या करते हैं ना, एक साथ ओला उबर रैपिडो तीनों में बुकिंग करते हैं, जो बंदा सबसे पहले आ जाता है उसके साथ निकल जाता है, तो इसीलिए पहले पूछ लेना सही रहेगा, बाद में वो लोग फिर कैंसिल नहीं करते, तो इसीलिए फ़ोन करके पूछ लिया। चलो यार आप नहीं है बहन? ये भाई की बुझते और बहन बहुत अनेक मुश्किल है चाहे कि हो बहन। अगर अपना प्रॉब्लम हो पे अनेक तो ये राइड कैंसिल हो गया दोस्तों।
एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसे कस्टमर आएंगे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है और मतलब देख के भी नहीं लग रहा था कि उतना ज़्यादा फिट है। तो मैंने खुद ही मतलब अपने तरफ से कह दिया कि आप कैंसिल कर दो यार, रिस्क हो जाएगा काफ़ी, एक साइड करके तो बैठ नहीं पाएगी। अगर पतली दुगली होती थी चलो यार, साइड एक साइड करके बैठ भी जाती है बहुत कोई, लेकिन ये काफ़ी हैवी वेट थी तो बैठ नहीं पाएगी इसके ऊपर। तो मैंने कह दिया कि आप कैंसिल कर लो। तो इस बाइक में एक प्रॉब्लम तो है भाई, हैवी वेट वाले जो आते हैं वो बैठने में काफ़ी उनको दिक्कत हो। फिलहाल दोस्तों ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि कोई राइड है, मैंने गया कस्टमर मेरा बाइक देख के कैंसिल कर दिया, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:45 और आपको बिलीव नहीं होगा जो मैं अभी कहने वाला हूँ। 7 बजे से ऑनलाइन हूँ, लगभग 5 और 6 बाइक टैक्सी के ऑर्डर मुझे मिले थे बट एक भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिलहाल एक एक्सेप्ट किया था बट वो कस्टमर ने फिर कैंसिल कर दिया। बट दोस्तों इस दौरान एक भी फूड का ऑर्डर मुझे नहीं मिला। सोच रहा हूँ कि 10 बजे तक ही लॉग इन रहेंगे, उसके बाद फिर ऑफलाइन करके घर चल जाएंगे, क्योंकि यार रह के कोई फायदा नहीं, जब ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है फूड का तो फिर रह के क्या फायदा है, क्योंकि यार शाम के 7 से लेकर 10 बजने वाले तो एक भी फूड के ऑर्डर नहीं मिले। तो ये बात सच है कि भाई अभी स्विगी मतलब फूड के ऑर्डर नहीं दे रहे, तो देखते दोस्तों 10 बजे तक रहेंगे, अगर ऑर्डर देता है कंपनी ठीक है, उसके बाद फिर घर जाके आप लोगों से मिलता हूँ। ओके दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं शाम के 7 से लेकर पूरे एग्जैक्ट रात के 10 बजे तक लॉग इन रहा बट एक भी मुझे फूड का ऑर्डर नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान मुझे 6 बाइक टैक्सी के ऑर्डर मिले लेकिन वो भी मैंने एक भी कंप्लीट नहीं कर पाया। एक एक्सेप्ट कर पाया था, उसके बाद फिर मैं जब कस्टमर को लोकेशन पे गया तो कस्टमर ने मेरा बाइक देख के कैंसिल कर दिया। खैर, तो एक भी फूड के ऑर्डर नहीं मिले, सारे के सारे बाइक टैक्सी के ऑर्डर मिले जबकि मैंने एक भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो 3 घंटे मैंने लॉग इन रहा, 3 घंटे लॉग इन रहकर मैंने जो अर्निंग किया दोस्तों, 0। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे में मैंने एक भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाया जिस वजह से कोई अर्निंग भी नहीं रहा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, कंपनी ने जैसे कि कहा था कि अब से हम लोग मतलब जो थर्ड पार्टी कंपनी से उसको ऑर्डर देना कम कर देंगे, तो ये सच में यार कंपनी अब बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे रही थी। और ऐसा नहीं था दोस्तों कि मैं किसी अननोन एरिया में था जहां से मुझे फूड के ऑर्डर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने आज जानबूझ के आप लोगों को दिखाया कि हाँ भाई फूड का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं जब स्विगी में काम करता हूँ जिस रेस्टोरेंट में जब मैं जिस टाइम रहता हूँ उस टाइम में उसी रेस्टोरेंट के पास था, बट उस टाइम कोई मुझे ऑर्डर नहीं मिला रैपिडो से। हालांकि इससे पहले भी जब मैंने लॉग इन किया था रैपिडो में उस टाइम मुझे उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिले थे, लेकिन आज बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं मिला, एक भी ऑर्डर नहीं मिला दोस्तों रैपिडो फूड से। तो भाई आज के डेट में यदि आप थर्ड पार्टी कंपनीज में जैसे सैडोफैक्स, लोडसियर या फिर रैपिडो फूड में एज ए फूड डिलीवरी करने के लिए बारे में सोच रहे हो और ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई सोच समझ के ज्वाइन करना, क्योंकि हो सकता है आप जितना टाइम तो उतना टाइम में आप उतना अर्निंग नहीं कर पाए, क्योंकि भाई ऑर्डर बहुत ही कम हो रहा है। एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी बताया कि वो लोडसियर में काम करता है और बता रहा था कि पहले जितना ऑर्डर मिलता था लोडसियर में अब उतना ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो भाई अर्निंग बहुत ही ज्यादा गिर चुका। साइड इफेक्ट्स का भी सेम उसी तरह है कि भाई पहले जितना ऑर्डर मिलता था अभी ऑर्डर थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो भाई सोच समझ के ज्वाइन करना साइड इफेक्ट्स एंड लोड शेयर। तो भाई अगर आपको काम करना है फूड डिलीवरी तो मैं कहूंगा स्विगी या फिर जोमेटो में ज्वाइन करो, अच्छा होगा, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी कंपनीज को वैसे भी ऑर्डर बहुत ही कम दे रहा और इसका कोई मतलब फिक्स्ड भी नहीं है कि फ्यूचर में हो सकता है ऑर्डर फिर से देगा कि नहीं देगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने एक बार स्ट्राइक किया था स्विगी वालों ने कि भाई थर्ड पार्टी को जो ऑर्डर देता है कंपनी उसको बंद करना होगा, अगर कंपनी फिर इस तरह से देती है तो हो सकता है फ्यूचर में फिर स्ट्राइक होगा, फिर कंपनी थर्ड पार्टी को ऑर्डर देना बंद कर देगा। तो भाई सोच समझ के ज्वाइन करना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है लोड शेयर और साइड इफेक्ट्स में। ओके दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहा, वीडियो अगर पसंद है, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।